गाइज, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, तंग आ चुका हूँ। तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो देखो, मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम है प्रोसीन। उस पर मैं मस्त मस्त गेम प्ले की वीडियो डालता हूँ, लेकिन व्यूज तो सिर्फ 8-10 ही आते हैं। इसीलिए मैं परेशान होकर आज फाइनली मरने का डिसाइड किया हूँ। और हाँ गाइज, हम लोग एक या दो बार नहीं मरेंगे, हम लोग मरेंगे पूरा 10 बार। मतलब हमारी जितनी भी मरने की इच्छा है वो सारी आज ही पूरी हो जाएगी। सो गाइज, यही है वो बटन जो हमारी सारी मरने की इच्छा पूरी करेगा। तो फटाफट इसे दबाते हैं और चलते हैं इसके अंदर। तो चलो गाइज, फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे पहले लेवल की ओर। और यहाँ पे रखा है एक रंग बिरंगा चेस्ट, चलो इसे ओपन करके देखते हैं। और इसके अंदर ढेर सारा कबल स्टोन, एक पिकेक्स भी है और साथ में है लेडर बहुत सारी। मुझे क्या लगता है गाइज कि इन माइनक्राफ्ट वालों ने भांग का नशा कर लिया है, क्योंकि भाई साहब पहला ही लेवल इतना ज्यादा ईजी कौन देता है। लेकिन इससे हमें क्या करना, हमें तो कुछ भी मिले हमें तो बस उससे मरना है। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम लोग कुछ ब्लॉक लगाते हैं और अब हम इन सभी ब्लॉक पर लगाएंगे फटाफट से लेडर। और अब मैं तुम्हें मर के दिखाता हूँ कि आखिरकार इससे कितना ज़्यादा इजी है मरना। तो चलो, सबसे पहले हम लोग चढ़ेंगे ये वाली सीढ़ियाँ और अब लगाएंगे यहाँ से जंप। देखो गाइस, हमारा आधा दिल का टुकड़ा चला गया है और अब हमें ऐसे ही जंप कर कर के बाकी टुकड़ों को भी खत्म करना है। A few moments later. So guys, अभी बचा है सिर्फ हमारे आधे दिल का टुकड़ा, बस हमें यहाँ से एक जंप लगानी और हो जाएगा हमारा खेल खत्म। So guys, आ चुका है वक्त पहली बार मरने का, तो चलो यहाँ से जंप लगाते हैं। और ये मर गए। Just then. So guys, अभी हम लोग आ चुके हैं लेवल 2 में और मुझे क्या लगता है कि पहले लेवल जितना लल्लू तो ये होगा नहीं। आई थिंक थोड़ा बहुत तो खतरनाक होना ही चाहिए, वरना फिर मरने में मजा नहीं आएगा। सो गाइज, यहाँ पर भी रखा हुआ है एक चेस्ट, तो चलो फटाफट इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर है एनविल और पिकेक्स। क्या है भाई, इतना ज्यादा इजी और वो भी फिर से। जनता माफ नहीं करेगी। चलो गाइज, फटाफट एनविल को अपने ऊपर गिराते हैं और ये वाला लेवल खत्म करते हैं। और अब ये बस आखिरी एनविल और हमारा काम तमाम। पहली बार माइनक्राफ्ट में मरने के बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है। चलो, हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेवल में और यहाँ पर भी रखा हुआ है एक चेस्ट और इसे खोल के देखते हैं। इसके अंदर है सेंट और एक पिकेक्स। इन दोनों से भी मरना बहुत ज्यादा इजी है, तो चलो फटाफट हम लोग मरते हैं। तो गाइस, अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर एक सेंट और इसके ऊपर चढ़कर लगाएंगे एक और सेंट यहाँ पर और अब इसके अंदर हम लोग जंप लगाएंगे। अब आराम से सेंट को अपने ऊपर फेंकना है और मरना है। और ये हो गया हमारा खेल खत्म। और अब हम आ गए 4th राउंड पर। मुझे क्या लगता है गाइस कि ये वाला राउंड तो थोड़ा ज्यादा खतरनाक होगा। देखो, इजी खेल खेल कर मैं परेशान हो चुका हूँ, अब मुझे चाहिए थोड़ा हार्ड। तो चलो गाइस, फटाफट इस चेस्ट को ओपन करते हैं और इसके अंदर है फायर चार्ज। भाई, इतना ज्यादा इजी लेवल कौन देता है, कम से कम थोड़ा सा तो हार्ड दो। सिर्फ हमें इस आग में कूदकर आराम से मरना है और ये फाइनली हम लोग मर भी गए। चलो, अभी हम आ गए नेक्स्ट राउंड में और ये वाला थोड़ा सा हार्ड है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो फटाफट इन सारी चीजों को ले लेते हैं। तो चलो गाइस, यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले एक डिस्पेंसर और इसको मैंने पूरा एरो से भर दिया है। और इसके पास में लगाते हैं हम लोग एक लीवर। सो गाइस, फाइनली हमारी मशीन बनके तैयार हो चुकी है, चलो इसे ट्राई करते हैं। और ये वर्क भी कर रही है। सो गाइस, अब ऐसे ही लीवर दबा दबा कर हम लोगों को फाइनली मरना है। सो गाइस, अब मेरा आधा हार्ट ही बचा है, मतलब मेरा समय आ गया है इस दुनिया को अलविदा कहने का। चलो गाइज, हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट लेवल में, लेवल 6। और यहाँ पर भी रखा हुआ है एक चेस्ट, चलो इसे ओपन करके देखते हैं। और इसके अंदर है ढेर सारा वाटर और कुछ ब्लॉक भी दिए हैं और साथ ही दिया है एक पिकेक्स। सो गाइज, मुझे तो समझ आ गया है कि आखिरकार इन लोगों ने इतनी सारी पानी की बकेट हमें क्यों दी है। आई थिंक हम लोगों को पानी के अंदर डूब के मरना है। सो गाइज, अब हम लोग बनाएंगे एक छोटा सा स्विमिंग पूल और उसके अंदर डूब के मरेंगे। तो इसके लिए हमें एक ब्लॉक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पर और एक लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। सो फाइनली रेडी हो चुका है हमारा स्विमिंग पूल, चलो इसके अंदर चलते हैं। अब हमें एक पानी की बकेट लेनी है और उसे अपने सिर पे मारना है। चलो फाइनली आ चुके हैं बुलबुले। देखो गाइस, कितना तड़प रहा हूँ मैं मरने के लिए और ये फाइनली मैं मर भी चुका हूँ। चलो, मेरा तो काम हो गया तमाम। लेकिन तुम लोग अभी रुको, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और साथ ही दबाओ उस बेल आइकन को। A few moments later. चलो फाइनली हम आ चुके हैं लेवल 7 में और अब हम देखेंगे कि आखिरकार इसमें हमें कैसे मरना है। चलो इस चेस्ट को ओपन करके देखते हैं और इसके अंदर है वुल्फ एग। गाइस, कितने ज्यादा बुरे दिन आ चुके हैं, मुझे कुत्तों के हाथों से मरना पड़ रहा है। तो चलो, ढेर सारे कुत्ते स्पॉन करते हैं और फिर उनके हाथों से आराम से। 5 minutes later.
चलो गाइज मैंने यहाँ पर कुत्तों की एक पूरी फौज तैयार कर ली है, तो चलो गाइज अब इस वाले कुत्ते को एक चांटा मारते हैं और उसके बाद ये वाले कुत्ते कर देंगे हमें खत्म। तो चलो 1, 2 एंड 3। चलो हो गया फाइनली हमारा खेल खत्म। तो चलो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं 8वें लेवल पर और अब हम देखेंगे कि इस वाले लेवल पर हमें मौत कैसे मिलती है। सो गाइज ये रहा वो चेस्ट, चलो इसे फटाफट ओपन करके देखते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर है भाई पिगलिन एग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो गाइज फिर से वही बोरिंग काम, हम लोग स्पॉन करते हैं ढेर सारे पिगलिन को और फिर किसी एक को चाटा मारेंगे और ये सब मिलकर हमें मारेंगे। 15 minutes later. So guys, मैंने यहाँ पर पिगलिन का पूरा भंडारा ही लगा दिया है, बस अब हमें एक को चाटा मारना है और उसके बाद हमारा खेल खत्म। और ये फाइनली हमारा खेल खत्म भी हो गया। तो चलो गाइज अब हम आ चुके हैं लेवल 9 पर और मुझे लगता है कि लेवल 9 जो है वो थोड़ा तो खतरनाक है, क्योंकि गाइज इस वाले लेवल के अंदर इन लोगों ने चेस्ट को एड ही नहीं किया। अब हम लोगों को ही मरने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्या लगता है गाइस कि यहाँ पर कोई जो है इनविजिबल बॉक्स होगा तो शायद उससे हम लोग मर सकते हैं। तो हम फटाफट देखते हैं, शायद वो हमें मिल जाए और हम लोग यहाँ से सीधा नीचे जंप लगा सके। 2000 years later. सो गाइस मैंने यहाँ का एक एक कोना छान मारा लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला जिससे मैं मर सकूँ और यहाँ पर मरने के लिए भी कुछ उपलब्ध नहीं है। सो गाइज फाइनली अब हम लोगों को मरने की तो टिप लेनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारी आखिरी उम्मीद की किरण बस ये टिप वाला बटन ही है। सो गाइज चलो फटाफट इसे दबाते हैं और देखते हैं। व्हाट भाई साहब, इसे दबाने से ही मैं मर गया। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं लेवल 10 के अंदर और इसके अंदर हमें दिया है ये स्टैंड, तो आई थिंक हम लोगों को पोशन बनाना पड़ेगा और उससे मरना होगा। और वैसे भी गाइज टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे आता है गाइज डैमेज वाली पोशन बनाना। तो चलो गाइज बिना समय गवाए फटाफट अपनी डैमेज वाली पोशन बनाते हैं। सो गाइज मैंने सारा सामान ले लिया है जो हम लोगों को चेस्ट के अंदर से मिला है। सो गाइज इस वाली मशीन को चालू करने के लिए ब्लेज पाउडर रखना पड़ेगा और इसके बाद हम लोग लगाते हैं ये नेदर वार्ट। सो गाइज नेदर वार्ट का तो काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब रखते हैं हम लोग कटा हुआ तरबूज। सो गाइज इससे हम लोगों को मिल चुकी है यहाँ पर हीलिंग पोशन, लेकिन हम लोगों को इसकी उल्टी डैमेज पोशन बनानी है तो उसके लिए हम लोगों को ये स्पाइडर की आंख रखनी होगी। सो गाइज ये रेडी हो चुकी है हमारी डैमेज पोशन, लेकिन हम लोगों को बनानी है डबल डैमेज पोशन तो उसके लिए हम लोगों को ये ग्लो स्टोन मिलाना पड़ेगा। जस्ट दैट। सो गाइज फाइनली रेडी हो चुकी है हमारी सारी पोशन। सो गाइज ये रही हमारी डबल डैमेज की पोशन, तो चलो फटाफट इसे ट्राई करते हैं। और हाँ गाइज ट्राई करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब हो चुका है हमारा ये चैलेंज कंप्लीट। सो गाइज चलो फटाफट इन वाली पोशन को अपने ऊपर ट्राई करते हैं। और यहाँ पर मुझे मिल चुका है गाइज पूरे 6 हार्ट का डैमेज। मुझे क्या लगता है गाइज कि इस वाली पोशन के अंदर तो मैं फाइनली मर जाऊंगा और ये फाइनली मैं मर भी गया।